उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है। आज भी कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। जिले उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। चमोली में भी बारिश के चलते सड़कें बंद हुई हैं। तो आज भी कुछ जिलों के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर लगातार बारिश हो भी रही है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश हुई है और चमोली में भी बारिश के चलते सड़कें बंद हो गई हैं। राजधानी देहरादून में हुई मूसलाधार बारिश के बाद क्या तस्वीर है ये आपको दिखाते हैं। सड़कों पर कितना लबालब पानी भरा हुआ है, आवागमन जो है वो देखिए किस तरह से चल रहा है। ये राजधानी देहरादून के दर्शनलाल चौक की तस्वीर है। शहर के ज़्यादातर इलाकों में इसी तरह से पानी भरा हुआ है और अगर आप देखेंगे तो जो टू व्हीलर सवार हैं उनको चलने में दिक्कत आ रही है। स्कूली अगर आप बच्चों को देखेंगे हमारे बिल्कुल राइट हैंड पर, वो एक साइड से दूसरे साइड निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पानी बहुत ज़्यादा भरा पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो घुटने के बराबर पानी भर गया है। और दूसरी तरफ तस्वीर ये है कि जो स्कूली बच्चे हैं वो अब इंतज़ार कर रहे हैं वो किस तरह से सुरक्षित निकल सकें। तो तस्वीर ये है, अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ इसी तरह से पानी ही पानी राजधानी में हो गया है। ये जो तस्वीर है ये सबसे बड़ी तस्वीर है कि ये देखिए कि स्कूली जो बच्चे हैं उनकी टू व्हीलर बंद हो गई है और वो आप देखिए कि किस तरह से घुटने के बराबर पानी में उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से हमारे राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर जगह जगह लोग अपने बाइक को छोड़ दिए क्योंकि उनकी बाइक इसमें बंद हो रही है, सही तरीके से नहीं चल पा रही है। तो ज़्यादातर लोग इस राजधानी में मूसलाधार हुई बारिश की वजह से स्कूली जो छात्र छात्राएं हैं या स्थानीय लोग हैं वो फंसे हैं। और आप तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से ये नन्हे जो बच्चे हैं वो निकल रहे हैं और घुटने के बराबर पानी है और तो वो सुरक्षित निकल सकें ये कोशिश में लगे हैं।